गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो आज हम लोग दांडेली से निकले एंड वी आर ड्राइविंग टू गोकर्णा. एंड ज़्यादा दूर तो नहीं है गोकर्णा, इट इज़ अराउंड 100 किलोमीटर्स. सो इट इज़ अराउंड मे बी 10:30 एंड वी शुड बी रीचिंग गोकर्णा बाय से 2 आवर्स, 12:31. हम लोग ने वहाँ पर ऑलरेडी बुक किया हुआ है लॉज, सम उमा महेश्वरी लॉज. एंड बाइक स्टेबल है, नो इश्यूज एज ऑफ नाउ. रोड्स जितना मैंने पढ़ा है और सुना है गोकर्णा के रास्ते अच्छे हैं. द ओनली रीज़न हम लोग ने दांडेली स्टॉप लिया था बिकॉज वी डिड नॉट वॉन्ट टू एंड अप एट नाइट इन गोकर्णा, बिकॉज फिर अर्ली मॉर्निंग चेकआउट हो जाता है 11 बजे. सो इट डजेंट मेक सेंस टू स्पेंड ऑल द मनी जस्ट फॉर स्लीपिंग. एंड ये एक डुकाटी जा रही है जिसे मल्टी स्टार्टर आई मैन. वी मेट लॉट ऑफ मोटरसाइकिल गाइज ऑन द वे. गोकर्णा में बेसिकली यू कैन से 3 बीचेस हैं, द ओम बीच, कुडले बीच एंड द गोकर्णा बीच. एंड मैं एक्चुअली इन तीनों में से ओम बीच पे आ चुका हूँ पहले जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और 2 दिन रहा हूँ. मैंने बेसिकली गोकर्णा किया है बट अंकित ने नहीं किया है. तो इस टाइम प्लान हम लोग ने किया कि कुडले बीच पे हम लोग स्टे करेंगे. फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा हमेशा नमस्ते कैफे रहा है व्हेन इन गोकर्णा, बिकॉज सब का प्राइवेट सा बीच टाइप है एंड रूम्स भी अच्छे हैं. बट दिस टाइम इन द सीज़न वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते रूम्स, हमको मिल ही नहीं रहा था कुछ. गोकर्णा बहुत ही वर्जिन जगह है, लाइक इतना एक्सप्लोर्ड नहीं है. गोवा जैसे कंजेशंस नहीं हैं, क्लीन हैं. और अगर आप ऐसी कोई जगह में जाकर रहना चाहते हो जो एकदम पीसफुल है एंड बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो आई गेस गोकर्णा इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो एंड स्टे. एंड आई नेवर रिग्रेटेड कमिंग टू गोकर्णा एंड हमेशा आई चूज़ गोकर्णा ओवर गोवा. गोकर्णा पहुंच गए हैं. आई एम राइडिंग टूवर्ड्स द होटल. दिस रोड लीड्स टू कुडले बीच. हे गाइस, आई एम शो ऑल द रूम. दिस इज आवर रूम. क्विकली एंट्रेंस हो. आई एम वर्किंग आउट. इट्स अ वेरी डिसेंट अपार्टमेंट दैट वी हैव गॉट. एंड ऑल दीज आर कॉटेजेस. Small cottages. We've got a very cool aquarium here, and I'm gonna quickly run towards the beach. So this is the bylanes. And here we are at the beach. See a lot of runners here, and we're gonna join them soon. Get up early for a quick run, and we're gonna go to the other side of this particular mountain to see another beach. It's a very beautiful beach on the other side of this mountain, and this is the place. इधर बैठते ना, तो इधर से एंट्रेंस है.
रूम पे गए, फ्रेश फ्रेश हुए एंड बाइक लेके थोड़ा साइट सीन करने निकले हैं। तो सीधा रोड, लाइक सही रोड हैं, आराम से क्रूज कर सकते हैं, नो ट्रैफिक, ऑल चिल ओवर हियर। Gokarna, it was approximately 9:55, and yesterday we left Dandeli around morning as 10 o'clock. Yeah, and it was how many kilometers did we cover? Not much. Dandeli is 130. 130 or 200? 130 approximately covers we covered, and actually it was not a big route to cover, but we came across a breakdown in the motorcycle. What happened was one of our shock absorbers broke in the middle, and because of that we had to stop the vehicle aside and get it repaired. Now we could have struggled a lot, but it did not have much to do with it. Stopping from there, we reached anyhow around 4 p.m. to Gokarna, and we already had a places booked, so it was not a much of a hassle. Place is simply awesome. We made new friends from Pune, and even they were biker brothers. So here's some coffee. We had some food, went to the Om beach, Kudle beach, stayed in this hotel called Uma Maheshwara cottage. It is just on the beach, but for bikers who are traveling along and have saddle bags, you have to park your vehicle aside a lot. So try to figure out something like Namaste Cafe where you can park your motorcycles. We couldn't make it though. So today's leg is from Gokarna to Chikmagalur, because we are heading towards Kudle, and let's see how the motorcycle functions today. There's a lot of glitches that is coming up. But two major problems. One, the shock cup is fucked up, and one of our weldings have come up. So let's see. Let's be positive and stay updated. Okay? Ciao.